हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 o'clock से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है आज से। तो लगभग सभी जगह आज से स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मेरे बच्चों के भी स्कूल ओपन हो चुके हैं। बट जिया का नहीं है, जिया का 5 अप्रैल से स्टार्ट है। तो दक्ष का स्टार्ट हो चुका है, दक्ष गया है स्कूल। वो बेचारा इतने दिनों तक तो आराम से उठ रहे थे, बच्चे आराम से सो रहे थे। तो आज जल्दी उठना पड़ा उसको, 6 o'clock पे उठा। बट प्रॉब्लम नहीं करता वो उठने में, आराम से, मतलब एक बार बोलो तो उठ जाता है। और वो स्कूल 7 o'clock पे स्कूल चले जाता है। और तो देखिए, अब जिया भी उठ चुकी है। जिया सोचा था मैंने कि आज से होगा, बट स्कूल से मैसेज आया कि 5 अप्रैल से होगा। तो जिया की 2 दिन और रेस्ट मिल गया उसको। तो लेकिन बच्चे स्कूल जाए तो वही ठीक रहता है, क्योंकि घर पे फिर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई में। तो अच्छा है कि स्कूल स्टार्ट हो जाए, बच्चे भी स्कूल चले जाए, तो बच्चे भी थोड़ा बिजी रहते हैं। वरना बच्चे फ़ोन और टीवी नहीं, सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। तो दक्ष स्कूल जा चुका है, जिया भी उठ गई है और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए और आफ्टर ब्रेकफास्ट आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली नाश्ता हो चुका है और मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता कर लिया है। बट मेरे हस्बैंड अभी वो नहा ही रहे हैं और फिर पूजा करेंगे, उसके बाद होगा उनका नाश्ता। तो बेटी को करा दिया, मेरा भी हो गया है, क्योंकि मेडिसिन लेनी पड़ती है इसलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, क्योंकि वो बहुत लेट करते हैं नाश्ता करने में। और मैं अभी आए जाई हूँ ऊपर छत पे, टेरेस पे आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ छत में आए हुए भी, और क्योंकि एक तो अब गर्मियों का मौसम भी स्टार्ट हो गया है तो छत में वैसे भी नहीं आना होता है। और पहले तो ठंडी का मौसम था तो धूप सेकने आते थे हम लोग छत में और बच्चों को भी लेके आते थे। और मोस्टली रीज़न ये था कि मैं कपड़े सुखाने आती थी, क्योंकि हमारे उधर 1 BHK में जहाँ हम रहते थे पहले, वहाँ पे धूप नहीं आती थी। और अब इधर धूप आ जाती तो कपड़े सूख जाते हैं, और वैसे भी फिर गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया तो कपड़े इजीली सूख ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं छत में आई हूँ और छत में देखिए अंकल जी ने, और जो हमारे मकान वाले के अंकल जी, काफ़ी मेहनती है, उनको भी प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है। तो वो भी मेरे यहाँ से कुछ मिर्ची के पौधे लगे थे, गेंदे के पौधे लगे थे, और तो उन्होंने भी कुछ गुलाब की कटिंग्स लगाई हैं, और सारे गेंदे के पौधे न्यू जितने भी थे वो पौधे लगाए हैं। और मिर्ची के पौधों की उन्होंने भी कटिंग कर रखी है। देखिए मिर्ची के पौधे कितने सुंदर हो गए हैं, आपको दिखाती हूँ अभी एक एक करके अंकल जी ने क्या क्या लगाया ऊपर छत में। यहाँ पर तो कम है ऊपर की छत में। और गेंदे के फूलों की भी, जिनमें सब हो गए, उनकी भी कटिंग कर दी है ताकि उनमें से नई ब्रांचेस निकल आएँ। तो अंकल जी का रोज़ का रूटीन रहता है कि वो रोज़ सुबह आके यहाँ पौधों को देखते हैं, शाम को भी देखते हैं। और नीचे उन्होंने 3-4 गमलों में धनिया लगा रखे, किसी में पालक लगा रखे है, और कुछ गमलों में उन्होंने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। मतलब खूब शौक है अंकल जी को भी, मतलब लगे रहते हैं वो भी। तो आपको दिखाती हूँ कि अंकल ने किस तरह से गार्डनिंग की है, किस तरह से टेरेस गार्डन को मेंटेन किया हुआ है, किस तरह से उनकी देखभाल करते हैं, और खाद भी खुद ही बनाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं अंकल जी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए अंकल जी ने यहाँ पे देखिए एक गमले में ये बैंगन का पौधा लगा रखा है, और ये देखिए गेंदे के छोटे छोटे पौधे, और ये देखिए कुछ पौधों में फूल भी आने लग गए हैं, और ये देखिए कुछ पौधे अभी छोटे ही रिसेंटली लगाए हैं शायद। और ये देखिए ये मिर्ची के पौधे अंकल जी मेरे यहाँ से लेके गए थे, ये देखिए कितने सुंदर हो गए हैं, अंकल जी ने सब कटिंग कर दी इनकी, तो अब कितने अच्छे हो गए हैं ना। और ये देखिए गुलाब, ये भी अभी रिसेंटली लगाया है शायद कटिंग इसकी, तो ये भी देखिए कितना अच्छा हो गया है, इसमें तो कलियाँ भी आने लग गई हैं। और ये देखिए कुछ गमले अभी खाली पड़े हैं, उसमें भी शायद अंकल जी कुछ लगाना चाह रहे होंगे। और उधर भी देखिए, ये देखिए वहाँ पे सामने उधर गेंदे के पौधे थे, उनमें जो कटिंग किए हुए हैं तो उनमें सब उन्होंने गेंदे के पौधे थे वो सब अब सारे फूल, मतलब सारे फूल वूल उसके सब ख़त्म हो गए हैं। तो अब उन्होंने क्या करा, ब्रांचेस की कटिंग कर दी ताकि उनमें नई ब्रांचेस आए। तो ये देखिए इस तरह से अंकल जी ने
ये पहले पूरा ये जो एरिया था, याला जितना भी एरिया था, ये सब पूरा भरा हुआ था पौधों से। अब कम कर दिया क्योंकि पौधे सूख गए हैं या कुछ, मतलब उनका सीजन ख़त्म हो गया है, तो अब उन्होंने नए पौधे लगा रखे हैं। बाकी नीचे जो गार्डन है वो पूरा भरा हुआ है रोज़ गुलाब के फूलों से, और डेकोरेटिव जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनसे, अरेका पाम, क्रिसमस ट्री, बहुत सारे प्लांट्स हैं। और कुछ गमलों में उन्होंने धनिया, पालक और गेंदे के पौधे, अभी आपको नीचे चल के दिखाती हूँ उन्होंने क्या क्या लगाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली में जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, यहाँ पे की लाइफ कितनी भागती दौड़ती हुई होती है। और देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, जहाँ पे भी देखो सारी बिल्डिंग्स हैं बिल्डिंग्स हैं। हालांकि दिल्ली में बहुत मोस्टली कई जगह प्लांटेशन, हरियाली भी बहुत जगह है, बट मैरोली में मतलब हरियाली कम है। और यहाँ के एरिया में, ये मैरोली का एरिया है दिल्ली में, कुतुब मीनार के नियर है जो, तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे कम है क्योंकि मैरोली काफ़ी पुराना बसा हुआ। तो देखिए किस तरह से कितनी सारे बिल्डिंग्स, इस तरह से पूरा कहीं पर भी पेड़ पौधे नज़र नहीं आ रहे होंगे, जो भी दिख रहे होंगे किसी के घरों की छतों में ही लगे हुए होंगे। तो जहाँ देखो वहीं बिल्डिंग्स हैं हर जगह, मतलब कहीं पे भी प्लांट नहीं दिख रहा है, बस सारी बिल्डिंग्स 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 हैं। ये तो अभी बड़े शहरों का हाल है, बट छोटे शहरों में भी यही हाल है। वहाँ पे भी अब सब जगह जो भी पहले बगीचे थे जितने, सब वहाँ सब कटान होके, सब जितने भी सब ने अपनी ज़मीनों को बेच के सब ने वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है। तो बड़े शहरों का नहीं, छोटे शहरों का भी यही हाल है। ये देखिए सब जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, कहीं पे भी पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है, बस जो भी है सब ने अपने घरों में लगा रखे, गमलों में लगा रखे हैं, तो उतने ही पौधे दिख रहे होंगे। कहीं कहीं पे हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे। और बाकी यहाँ से बाहर निकलो तो ये वसंत कुंज के एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, मतलब काफ़ी जगह दिल्ली में हरियाली बहुत जगह, बट मैरोली में बहुत कम है। यहाँ पे अधिकतर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, पेड़ पौधे कम है, जो भी हैं छतों में ही हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं और आपको नीचे का अंकल का टेरेस गार्डन दिखाती हूँ आपको, अंकल ने क्या क्या पौधे लगाए हैं और किस तरह से डेकोरेट किया है अंकल ने अपने टेरेस गार्डन को। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो छत से दिखा रही हूँ मैं इसका व्यू, जितना भी अंकल ने नीचे जो टेरेस है उसमें जो भी प्लांट लगाए हैं, देखिए ये सारे जितने भी दिख रहे हैं अभी, ये सब गुलाब के हैं। इधर के एरिया में ये जितना भी है ये गुलाब है। और यहाँ पे इस साइड को अंकल जी ने कुछ चमेली के पौधे हैं और दो तीन चमेली के प्लांट्स हैं, और उधर एक मेहंदी का है, पता नहीं कुछ हिबिस्कस है, गुड़हल है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, कितनों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है। और ये तो सारा छत से व्यू है, और इधर भी देखिए, इधर कॉर्नर में भी है, यहाँ से नहीं दिखेगा तो अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। तो सारे देखिए अंकल जी ने सब लगाया है लाइनबारी से, ये देखिए पूरी छत जो है पूरी भरी हुई है। तो ये तो ऊपर से दिखा रही हूँ, अभी आपको मैं नीचे से जाके दिखाऊंगी सारे प्लांट्स किस तरह से अंकल जी ने पूरी छत को प्लांट से भरा हुआ है। ऊपर आओ तो बहुत अच्छा लगता है पौधों को देख के जब उनमें फूल आते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए केले के पौधे भी हैं और बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, ये देखिए। और यहाँ से देखिए सारी, ये देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, ये देखिए इस तरह से जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाओगे सारी बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे भी पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। कहीं कहीं पे जो भी दिख रहे होंगे आपको छतों में ही नज़र आ रहे होंगे, वरना कहीं पे भी पेड़ पौधे नहीं है, सब जगह टोटल बिल्डिंग्स। ये सदाबहार, ये देखिए सारे सीढ़ियों के कॉर्नर पे भी, और इधर देखिए धनिया वनिया सब लगाया अंकल जी ने, ये देखिए। ये देखिए
तो इस तरह से अंकल जी ने पूरी छत में इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं। फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो गया है और जिया ने भी नाश्ता, आपने भी नाश्ता कर लिया ना? हाँ। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हो पूछो? आप कैसे? फिर मैं आऊंगी दांत क्लास के, फिर दांत क्लास आऊंगी जब मेरा दांत अच्छा होगा। पहले जिया बोल रही है आप सबसे कि पहले मैं डांस की प्रैक्टिस करूंगी, आप लोग मेरा डांस देखना और उसके बाद आप मेरा डांस देखना कितना अच्छा लगता है। आप जाओगे? आप जाओगे डांस क्लास? वो पूछिए, आप डांस क्लास जाओगे? अच्छा लगेगा देख लेना, जब गंदा लगेगा गंदा। अच्छा लगेगा तो देख लेना और जब गंदा लगेगा तो गंदा बोल देना। कह रही है अच्छा, कह रही जब अच्छा लगेगा तो देख लेना और जब गंदा होगा तो क्या करना है? तो भी देखना है, गंदा हो जाएगा तो गंदा हो, जब अगर डांस गंदा होगा फिर क्या करना है? जब सही होगा सही। अच्छा तो वो जिया कह रही है अगर मेरा डांस अच्छा होगा तो अच्छा बोल देना और जब गंदा होगा तो कह रही है फिर भी देख लेना, आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है देख लेना। अच्छा था बता। हाँ अच्छा होगा तो बताना जरूर है, बताते नहीं है ना कोई भी नहीं बताता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बता दीजिए। अच्छा, मैं ना के आगे फिर डांस क्या जाऊँगी? अच्छा डांस क्लास जाओगी? तो उसको डांस क्लास जाना है ना के रहोगी? ओके तो पहले डांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मेरी डांस प्रैक्टिस होने वाली है, मैं दो बार, मैं तीन, मैं फोर बार करूँगी। ओके तो जिया फोर बार डांस प्रैक्टिस करेगी, उसके बाद ये नहाने जाएगी, उसके बाद ये डांस क्लास जाएगी। ओके फिर मैं पढ़ाई करूँगी, ये है ना? हाँ। तो फ्रेंड चलिए जिया की डांस प्रैक्टिस देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब दिखा रही है जिया डांस। फ्रेंड्स जिया की डांस प्रैक्टिस हो चुकी है ना? नहीं यार ठीक है यार। थक गई है, डांस करके देखो ये। नहीं थकी। नहीं थकी? और करोगी? फाइव डांस करूंगी। अच्छा फाइव डांस करोगी? हाँ। अच्छा थकती नहीं मैं। आप थकती नहीं हो? अच्छा तो कह रही है मैं अभी थक गई नहीं हूँ, मैं फाइव डांस करूंगी। तो पहले नहा लेते फिर करेंगे? पहले नहला दूं आपको? डांस प्रैक्टिस हो गई, अब बाद में करेंगे, पहले नहा लेते हैं, फिर दादा आने वाला है ना, आ जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेंगे। क्यों क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं? होशियार कैसे बनाऊंगी? मम्मा मुझे डांस क्लास जाने है। ठीक है तो फ्रेंड्स डांस प्रैक्टिस हो चुकी है, कह रही और करनी है। अगर आपने डांस देखा था अभी अभी मैंने वो बोला था जब आप डांस, कौन से गाने में किया आपने, कौन से सॉन्ग में किया डांस? गज का नमच है उसका नाम। तो फ्रेंड्स जिया का डांस कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बताओ। और अभी मैं उसको ले जाती हूँ नहलाने के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर, और फिर उसके बाद दक्ष के भी आने का टाइम हो जाएगा, तो उसको नहलाती हूँ थोड़ी पहले और फिर उसके बाद फिर ये डांस करेंगे ना। मम्मा फिर मैंने कौन सा कर होता? तो फ्रेंड्स उसको नहलाते हैं फिर ये थोड़ी देर स्टडी करेगी और मैं भी घर के काम निपटा लूंगी एक बार सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ एक बार। फिर बैठे सजना करता। अच्छा हाँ फिर ये सजना में भी आपको एक डांस दिखाएगी, सजना
चूड़ी कंगना वाले सॉन्ग में। हाँ हाँ फिर आप थोड़ी पर आ गए। हाँ तो फ्रेंड्स ये आपको फिर वाले सॉन्ग में भी डांस दिखाएगी। तो आज इसने आपको नए सॉन्ग में दिया 52 क्या है वो गजकन्ना मच है। हाँ तो आज इसने इसमें दिखाया है और बाद में नेक्स्ट सॉन्ग में दिखाएगी। हाँ तो चलिए इसको नहलाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए जिया कर रही है स्टडी और यहाँ पे जिया का चल रहा है स्टडी टाइम। और जी आप क्या कर रहे हो देखो ऊपर लुक एट द स्क्रीन। अभी बताओगी? अभी बताओगी तो अभी बिजी है लिखने में तो अभी बताएगी वो। बताते तो क्या कर रहे हो? मैं वो लिख रही हूँ। क्या है ये बताओ क्या लिख रहे हो आप? कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने? ये कौन सा सब्जेक्ट है मुझे बताए मम्मी आपने क्या इसका? ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश का। हाँ तो जी इंग्लिश में वर्क कर रही है। और क्या कर रही हो इंग्लिश में आप वर्क? मामा कौन से एनिमल्स हैं ये? एनिमल्स के नेम कर रही हूँ। हाँ कौन से एनिमल्स हैं? विच एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स। हाँ तो जिया कर रही है इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल्स। ओके ठीक है करो इसको ढंग से लिखो। आपने यहाँ पे से आर मिसिंग कर दिया था। तो जिया कर रही है स्टडी और उसका चल रहा है इंग्लिश में वर्क। तो वो कर रही है अभी वाइल्ड एनिमल्स नेम। और तो आज का उसका लर्निंग चल रहा है। अब मैं कलर नहीं करती हूँ। हाँ तो जिया जब मैम बोलेगी कलर कलर करने के लिए। हाँ तो जब मैम बोलेगी इसके बाद जब उसका वर्क होगा तब वो कलर करेगी। आज वो ड्राइंग में बनाएगी। क्या बनाओगी मैं ड्राइंग में आज? आप आज नहीं करेगी? मैं आज ड्राइंग नहीं करोगी? कल करूँगी। अच्छा कल करेगी। तो फ्रेंड्स जिया आज ड्राइंग नहीं करेगी कल करेगी। अच्छा नहीं लगता। अच्छा अभी देखना थोड़ी देर बाद ना ये सारा वर्क होगा तो ड्राइंग करने बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए इसको स्टडी करने देते हैं थोड़ी देर। मैं बीच बीच में इसको चेक करते रहूँगी और इसकी राइटिंग भी चेक करते रहूँगी। और मैं बनाती हूँ लंच क्योंकि थोड़ी देर में दक्ष के आने का टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिए, शेयर करके और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तब तक लिए बाय, टेक केयर।